आज काम नहीं। ओ पंखा बंद कर ले। ने बोले लोग में खुचा मदी। ओ दे खुचा मदी दी जा पक्का बंद। चलो बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानो के ब्लॉग चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब यूट्यूबर बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं और मेरी फैमिली भी खैरियत से हैं। सुनाएं कैसे हैं आप सब लोग, कैसे दिन गुजर रहे हैं। आज सुबह सुबह का टाइम है, सैरिश स्कूल जा रही है, रिजवान भी जाने लग रहा है। बच्चों के तो फिलहाल नहीं खुले स्कूल, लेकिन इन टीचर्स के खुल गए हैं तो नाश्ता कर रहे हैं। करेले आलू बनाए हुए हैं मैंने। तो रिजवान मुंह दिखाएं, ये देखें रिजवान का मुंह एक साइड से सूजा हुआ है। कल की वीडियो ना बनाने के पीछे यही रीजन है, उस साइड वाला जो है ना, ये देखें मुड़ी लड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूबर बहन भाइयों, क्या हाल है, ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, और आप सब बहन भाइयों की दुआओं और वालिदैन की दुआओं से। नाश्ता कर रहे हैं, अभी स्कूल जाना है, ये रेजर तो काफी देर बाद स्कूल जा रहे हैं। अच्छे अच्छे करने रेजर है, रेजर है, उनको दिखाओ मामा को। अली क्या लेके आए हो? रेजर, रेजर। अली इधर देखो। अली मानो, मानो कैसे होती है मानो? मानो, मानो जी, मानो को भी जी कहता है ना अली। चलें जी, ये सुबह की रूटीन है हमारी, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं सारे, बस जाने लगे हैं स्कूल। अब वापसी आके बात होगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अली अल्लाह हाफिज। चल अम्मी मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अली मैं जा रही हूँ, अली को कोई परवाह नहीं है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये अभी हम भूमि से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी जाते हैं स्कूल तो हम ये भूमि से मिले बगैर नहीं जाते, तो अभी उनसे मिलने जा रहे हैं। तो बाइक और गाड़ी भी उधर खड़ी होती है, ताकि जब भी आएँ जाएँ उनसे मिल के ज़रूर जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। चलो अम्मी चलिए, मैं अल्लाह हाफिज़। चलो जी अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय मान, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आज ना बच्चे कह रहे थे कि नानो कोई नई चीज़ बनाओ, तो पहले भी मैं बना चुकी हूँ मैक्रोनीस, लेकिन आज स्पेशल मैंने ना एल्बो मैक्रोनी मंगवाई है, और उनका ये सामान जो है ना तैयार किया है। टमाटर है, लहसुन है, हरी मिर्च है और प्याज है। लहसुन और हरी मिर्च को ना मैंने थोड़ा चॉप कर लेना है, तो बाकी प्याज और जो टमाटर है ना यूँ ही डाल लेने हैं। तो वैसे तो पहले मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करती थी, गाजर, शिमला मिर्च, आलू वगैरह, लेकिन आज बच्चे कह रहे हैं कि वो नहीं डाली, अच्छी फिर चिकन और ये वाली डाल के ना आप हमें बना के दो। तो इंशाल्लाह मैं शुरू करने लगी हूँ, तो फिर जैसे ही वो तैयार होते हैं ना, आपको तैयार होने पर मैं फिर दिखाऊंगी, ठीक है? तब जी, तक के तो लिए ये चीज़ें हैं। हाँ जी, मिर्चे नहीं काटी आपने? मैंने इनको चॉप करना है, फिर बच्चे नहीं ना खाते मिर्चे। अच्छा। अगर मुंह में आती है बच्चे नहीं खाते, चॉप हुई हुई फिर मिक्स हो जाती हैं। लहसुन को भी चॉप करना है, तो टमाटर और ये जो ऑनियंस है ना, इनको मैंने कर लिया, कट कर लिया। तो अब मैं इनको शुरू करने लगी हूँ, तो फिर नेक्स्ट व्लॉग जो है ना दिखाती है इसमें इनको। जी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, रिजवान मुझसे पहले आज आ गए थे क्योंकि उनको जल्दी फारिग कर दिया था उनके हेड ने। मैं भी वापस आई हूँ, और ये आगे मैक्रोनीज बने हुए हैं और बड़ा मुंह में पानी आ रहा है, अब खाने लगे हैं। जी काफ़ी मज़े के मैक्रोनीज हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और आपको पता है नानो बनाती भी देसी स्टाइल के मैक्रोनीज हैं, तो उनका मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। शुक्र है लगा, काफ़ी टेस्टी है, खा रहे हैं हम सब। और ये मेरी प्लेट है, मैं भी खा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा खा चुकी हूँ, थोड़े से और कह रही हूँ खा लेती हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है शुक्र अल्लाह का। ये देखें रिजवान बच्चों को सलाते सलाते सो गए, आज इधर लेटे हुए हैं। ये जो अयान और ज़ियान है ना, ये नानों के पास होते हैं, या कभी अली सो जाता है नानों के पास और ज़ियान हमारे पास हो जाता है। आज असल में नानो घर नहीं है, नानो की सिस्टर बीमार है, उधर गई हुई हैं नानो,
सो गए आप? नानो की सिस्टर भी मार है, नानो उधर गई नहीं है, तो फिर इसलिए विलाप का भी आज इंतजाम इतना खास कोई नहीं किया। फैन ऑफ कर दे रिजवान। हाँ जी, उठ के आ गए। मैंने ना ये अपने कपड़े जो है ऊपर वाली अलमारी में शिफ्ट किए हैं, क्योंकि मेरे कपड़ों का ये हाल हुआ है। ये मेरी एक शर्ट का गोन है और इसका हाल देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक एक जगह से, दो जगह से, ये ठहरे एक मिनट में पहले इसको अड़ा लूँ अच्छे तरीके से, दो जगह से, तीन जगह से और ये चार जगह से। और ये आपको नज़र शायद आ रहा होगा कि ये जो है ना, ये फटे हुए नहीं है, ये दांतों से कुतरा गया है, ये देखें। और ये दांतों से चूहे ने कुतरा है, और ये ऐसा बदतमीज़ चूहा आ गया ना हमारे घर में, जिसने मेरा इतना प्यारा ये ड्रेसेस का सत्यानाश कर दिया। मेरी शादी का एक सूट है, उसका दुपट्टा है, ये देखें कितना खूबसूरत दुपट्टा है। और ये भी बाय चांस उस अलमारी में था, तो ये देखें, ये देखें आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये इसको भी टुक गई है, इसको भी और भी बहुत सारी जगहों से उसने खाया है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये इतना मेरा कीमती दुपट्टा है, कीमती चले ना भी हो, एक मेमोरीज के तौर पे मैंने संभाला हुआ था ये, अपनी रखा हुआ था अपनी कबड़ में। बाकी कपड़े चलने रख दिए हैं, कुछ पूरे आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन ये रखे हुए थे दुपट्टा, कभी कभी मैं ले भी लेती थी इसको, तो अब मैंने इसको चूही को नहीं छोड़ना। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये दांतों से कुतरा हुआ है, ये देखें, ये और अच्छा खासा कुतरा हुआ है दुपट्टा। और मेरा इतना ये पुराना दुपट्टा है, ये मेरी शादी के कुछ सूट थे उनका दुपट्टा है ये, और सत्यानाश कर दिया चूही ने। अब मैं इसके लिए इसका करती हूँ आज, इसके लिए लगाती हूँ कुड़ी की आज। यार उठो, हाँ एक मिनट कूर के ना वेखो मेरी गल सुनो, चूही आई दी एडी वड़ी, फिर की चूही ने यार मेरी बात सुने, दो उसने मेरे दुपट्टे कुतर दिए हैं, और एक उसने मेरी जोन सी है ना वो कमीज के ऊपर बड़ा प्यारा खूबसूरत सा पहनने वाला वो था गोन सा बना हुआ, उसने वो चार जगह से उसने टुक दिया है। मैं आपको कहते हैं तो ला के दिखा भी देती हूँ कहाँ से उसने टुका है। तो ये असल में ये पर्दे जो उनसे है ना, पर्दे लगाए हुए हैं इस अलमारी के अभी आगे, कब वो लकड़ी का नहीं ना लगाए हुए जो वो होते हैं डोर्स, तो उस वजह से जो चूही आई है ना बाहर, तो वो अंदर घुस गया है इसके, चूही समझते हैं रैट माउस चूहा, तो वो घुस गया है इस अलमारी के अंदर। तो जो मेरे जूते हैं उनमें भी घुस गया है, तो वो मैंने आज सुबह देखा था जूते निकालते वक्त। तो अब रात के 10-11 बज गए हैं, तो इस टाइम बच्चे किचन में नहीं जाते, मेरी तो नहीं बात सुन रहे आप, तो मैं क्या करूं? तो बच्चे किचन में नहीं जाते, आए मैं कड़ी के लगा ले, मुझे डर लगता है, नहीं मैं लानी है, पर मैं डर लगता है ना, फिर चल जाती है हाथे बज जाती सट, चलो आओ नाल अपने यूट्यूबर बहन भाई ने खाने खड़की किस तरह लाई दी है। माउस ट्रैप आपको बताते हैं, माउस ट्रैप किस तरह लगाया जाता है पाकिस्तान में। हम दवाइयाँ शवाइयाँ रखते हैं, लेकिन दवाइयाँ जो है ना ज़रा नहीं उस पर आती है आजकल की, हमारी जो चूहियाँ ना यहाँ पर बड़ी चलाको मासियाँ हो गई हुई हैं, वो नहीं आती इसमें माउस ट्रैप श्रैप में जो होता है दवाइयाँ शवाइयाँ, वो आती हैं खिड़की में। तो खिड़की लेके आए आप जी बहन भाइयों, ये खिड़की है और इसको ऐसे लगाते हैं, ये जो चीज़ है ना पहले ये ज़रा गंदी है, लेकिन कोई बात नहीं डस्टी लगी हुई है। अब ये इसमें रोटी लगाने लगी हूँ, रोटी का ये दो पीस है, तो ये रोटी लगाऊंगी, और अभी इधर कोई भी नहीं आएगा फिर ये जो है ना चल जाएगी। इसको पहले इस साइड पे रख देना, रोटी इस तरीके से लगानी है कि चूही इसको आके खाए तो उसे उतरे ना। अब ये ऐसे रख लिया, अब ऐसे करना है, और ये इधर होता है सुराख, इसको पकड़ के रखना है पीछे से, इसको नहीं छोड़ना, और इसको छोटा थोड़ा सा लगाना है हाथ बचा के, हाथ इस तरह करना है, बस शुक्र है अल्लाह दा, बस ते हुन फिर वो बस हुन करना, इन्हें नहीं छेड़ना हुन, वैसे आगे तो करना चाहिए इन्हें, क्योंकि वो उत्थे नुक्कड़ रख दे, क्योंकि अगर बाई चांस कोई बंदा
चल चली साजे ना नहीं नहीं चलाने नहीं है देखो अगे आओ चूहे दी मेंगना भी खाओ ना ओ यार बेवकूफ बेवकूफ वाली केड़ी गल है चूहा है वे तो दी मेंगना ने ना ते हुन ए भी किसी किसी तरीका आंदा जकड़ी की लांदा ए देखो हुन ते कोई भी बच्चा वड्डा ना आए चल तू साबन ना तो साबन नाल ही धोने ने जाहिर है ये लें जी चूहे की फांसी के लिए वो तैयार हो गया तो देखें अब सुबह आता है कि नहीं आता या खा के चला जाए बच्चों को सलाह दिया तो नानों ने आज में भी आज ना आए जल्दी क्योंकि 10 तो बज चुके हैं ये देखें 10 बज गए हुए हैं तो अभी तक नहीं आएंगे तो फिर मैंने कहा चले व्लॉग का जो है ना एंड करते हैं तो व्लॉग अपलोड कर देते हैं असल में नानों की सिस्टर नहीं ना ठीक रिजवान बस वो ठीक तो हैं वो रोजाना ही तकरीबन पता करने जाते हैं उनका हाँ वो छोड़ के तो मैं आ गया था कह रहे थे कि नहीं मैंने आज इधर ही रहना तो आप चले जाओ मैंने कहा चलें ठीक है वो सर मैं कल से घर हो गई हैं ना डिस्चार्ज हो गई हैं घर चली गई हैं तो अब उन्हें ये है कि थोड़ी सी नानो ना थोड़ी केयर वगैरह करें या मे भी रात को लेट नाइट आ जाएँ कोई पता नहीं है आ भी सकती हैं छोड़ जाएँ उनका बेटा मूड उनका हुआ तो आ जाएंगे वापस तो बच्चे सो गए हैं बच्चे उस रूम में सोते हैं अभी अली को वहाँ से ले आएंगे या जियान को ले आएंगे इधर फिर वहाँ पे मतलब दोनों बच्चे ही होंगे तो अगर ना नानो आई तो फिर रिजवान उधर सो जाएंगे जी क्योंकि फिर हम सारे तो नहीं ना एक बेड पे सो सकते सही बात है चलें ठीक है इजाज़त चाहते हैं हम नानो तो उधर चले गई हैं तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त नानों को भी हम सबको इजाज़त दीजिए नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह नाना फिर हाजिर होंगी तब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाज़त ना बहुत सा रखिएगा ख्याल अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ जी मेरी तरफ से भी और जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर करूँगी कि जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं वो मोस्टली लोग सब्सक्राइब नहीं किया होता तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा और रिजवान का सूझा हुआ मुँह देख के अब अल्लाह हाफिज़ ये तुम बूढ़ी के असरात हैं अल्लाह हाफिज़